में और मैं हूँ आपके साथ आस्था मीनाक्षी। चलिए बात करते हैं दिन भर की टॉप 10 खबरों के बारे में। पीएम मोदी ने आज 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। देश भर में 46 जगह लगे रोजगार मेले। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स के नेटवर्क का होगा खुलासा। NIA ने बुलाई IB RNW ATS की बड़ी मीटिंग। पत्रकारों को खिलाओ पिलाओ ताकि वो विरोध में ना लिखे। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष का ऑडियो हुआ वायरल। सफाई में कहा सम्मानजनक सत्कार के लिए कहा था। लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में भाजपा को बड़ा झटका। तमिलनाडु में AIDMK ने तोड़ा नाता। बिलासपुर दौरे पर आए राहुल बोले जातीय जनगणना से डरते क्यों है पीएम मोदी, ये तो देश का एक्सरे है। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए बीजेपी के 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। 6 सांसद भी उतरेंगे मैदान में। खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर RSS नेता, दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। कोरोना से 7 गुना ज्यादा खतरनाक महामारी आने का अनुमान। WHO ने इस डिजीज का नाम दिया X। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स चीफ के मुताबिक अगली महामारी 5 करोड़ लोगों की ले सकती है जान। पाकिस्तान को बड़ी राहत, विश्व कप के लिए भारतीय वीजा हुआ जारी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए आज तक भारत के साथ।